लगातार बड़े होते किसान आंदोलन में हरियाणा का युवा भी कूद पड़ा है। वहम के ऐतिहासिक चबूतरे पर युवा पंचायत कर 5 प्रस्ताव पास हुए और अब हरियाणा की खापों के युवा टेंट लगाकर बॉर्डर पर धरने में बैठेंगे। यही नहीं, ट्रैक्टर लेकर जाने वाले किसानों को तेल मुफ्त मिलेगा। युवा किसान, पंचायत के युवा, छात्र नेता और 28 खाप पंचायत इसमें शामिल हुई। अब तक पंजाब के किसान ही आंदोलन में आगे नजर आ रहे थे, लेकिन अब हरियाणा का युवा भी आंदोलन में भाग लेगा। दिल्ली से सटे हरियाणा के सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर अब तक आपने केवल पंजाब के ही ज्यादातर किसान देखे होंगे, लेकिन अब हरियाणा के युवा भी आंदोलन में भाग लेने के लिए तैयार हैं। महम के ऐतिहासिक चबूतरे पर युवा पंचायत का आयोजन किया गया, जिसने सरकार को चिंता में डाल दिया है। युवाओं ने पंचायत में 5 प्रस्ताव पास किए हैं, जिसमें युवाओं की आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित करना, आंदोलन को तेज करना, खाप पंचायतों की भागीदारी भी शामिल है। युवा पंचायत में छात्र नेताओं के साथ साथ खाप प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इसके अलावा पंचायत में शामिल होने के लिए किसान बैलगाड़ी से आए, यही नहीं बैलों को फूल की माला पहनाई गई और हुक्का यहां आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं दूसरी ओर युवा किसान नेता सतीश राठी ने बताया कि युवा पंचायत में फैसला लिया गया है कि अब हरियाणा के युवा भी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, ताकि तीनों कानूनों को वापस करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा की खाप पंचायतें भी आंदोलन स्थल पर टेंट लगाकर बैठेंगी। जो किसान ट्रैक्टर लेकर जाएगा उसे मुफ्त में तेल मिलेगा। यही नहीं, 3 दिन टोल फ्री भी करवाए जाएंगे, ताकि सरकार पर दबाव बन सके। ये हरियाणा सरोखाप सरोजातीय युवा पंचायत के बैनर के नीचे एक युवा किसान पंचायत का जो आयोजन किया है, इसमें किसान आंदोलन को और मजबूती देने के लिए हर एक खाप का वहाँ पर धरने पर धरना सुनिश्चित करने के लिए और युवाओं को वॉलंटियर की भूमिका में परिवर्तित करने के लिए आज इस चबूतरे पर फैसला किया गया है। और जितनी भी आगे के जो आंदोलन या जो कार्रवाई या जो धरने, जुलूस, टोल फ्री करना, जो भी हमारा राष्ट्रीय स्तर का संयुक्त मोर्चा जो आदेश देगा, आज सारी खापों के युवा साथी यहाँ पर प्रण लेके गए हैं कि उस फैसले पर हम अमल करेंगे और पूरी। आपको बता दें, किसान आंदोलन पिछले 29 दिनों से जारी है। हर दिन बड़ी संख्या में किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और अब युवा भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। देवेंद्र शर्मा, टोटल न्यूज, रोहतक।